you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message. Assalamu alaikum, welcome back to Maryam's Digital Universe. I hope you are all fine. So आज की morning start हुई है 7:30 से. So आज की video में आपके साथ share करने वाली हूँ कि कैसे quick सा एक time table बना कर time management आप अपने सारे household chores को बहुत easily जल्दी से complete कर सकते हैं, बहुत सारा time बचा सकते हैं, क्विकली कर सकते हैं. मैं कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करती हूँ और कैसे सारे हाउस होल्ड चोर्स को एक प्रॉपर टाइम पे फिनिश कर लेती हूँ. सो यहाँ पर मॉर्निंग में ड्यूरिंग फेस वॉश एंड ब्रश मुझे नज़र आया कि ये जो एरिया है वैनिटी एरिया, ये काफ़ी डर्टी और मैसी हुआ हुआ था. सो इसको क्लीन करना है बहुत ही मस्त. तो ज़्यादा इसके लिए प्रॉपर अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ही मैं फेस वॉश करूँगी और ब्रश करते करते ही मैंने इसको जो है वो क्लीन कर लिया था. साथ में जो है वो टैप को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ. बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखी थी और विदन 4 to 5 minutes ये वाला एरिया जो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था. बहुत इजीली आप जब भी वॉशरूम में जो फेस वॉश वगैरह करते हैं, मॉर्निंग में ही ब्रश करते हुए अगर छोटी छोटी सी मैसी चीज़ें जो हैं उनको हटाकर आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर देंगे और थोड़ा सा टाइम देकर उसको क्लीन कर लेंगे तो बहुत इजीली आप भी जो है वो टाइम को मैनेज कर पाएंगे. और वॉशरूम की क्लीनिंग जो होती है बहुत ही मस्ट होती है, किसी भी हाउस होल्ड जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए बहुत मस्त रहता है कि उनका वॉशरूम ऑल द टाइम टिप टॉप और क्लीन होना चाहिए. तो आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स और हैक्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ ड्यूरिंग जो है वो कोई भी कुकिंग हो, कोई वॉशिंग हो, कोई बर्तन वॉश कर रही हूँ, क्लॉथ वॉश कर रही हूँ, तो उसमें जो मैं यूज़ करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट अच्छी रहती है और मल्टीटास्किंग हो जाती है. एक ही काम करते करते हम बहुत सारे काम अपने निपटा लेते हैं. जैसे ही मैंने फेस वॉश और देखा तो मिरर भी थोड़ा सा मुझे मैसी लग रहा था और वहीं पर 2 मिनट में मैंने इसको जो है वो ग्लास क्लीनर के साथ अच्छे से वाइप आउट कर लिया था. और जहां मुझे 10 मिनट्स थे वॉशरूम में लगे वहां 15 मिनट्स में मैंने ये सारी की सारी क्लीनिंग कर ली थी और मॉर्निंग में ही ये काम डन हो गया था और इस साइड से बिल्कुल सेटिस्फाई मैं हो गई थी. और इसके बाद जो है वो मुझे थोड़ा सा लगा कि इसकी लाइट्स को भी एक दफ़ा वाइप आउट कर देना चाहिए क्योंकि काफ़ी डस्ट इसके ऊपर हो रखी है, तो वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी. Send message after message, forward my call. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things that you... तो ब्रेकफास्ट बनाने से पहले जितने भी किचन में यूटेंसिल्स यहाँ वहाँ बिखरे होते हैं उनको मैं पहले प्रॉपर जो है वो उनकी डेजिग्नेटेड प्लेस पर रख देती हूँ और उसके बाद क्लीन काउंटर टॉप पर वर्क करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है. ब्रेकफास्ट बनाने से पहले कुछ साइड के काम मैं कर लेती हूँ, जैसे कि अपनी टॉप लोड वॉशिंग मशीन को मैं ऑन कर देती हूँ ताकि बाकी के काम करते हुए जो है वो अच्छे से ये वॉश हो जाए. और जैसे मैं ब्रेकफास्ट फिनिश कर लूँ तो मैं अपने जितने भी जो है वो क्लॉथ्स वॉश हुए हैं उनको प्रॉपर जो है वो ड्राई होने के लिए डाल दूँ. सो यहाँ पर जो है कुछ बॉटल्स थी, इनके अंदर वाटर बॉटल जो होती हैं एक टाइम के बाद बहुत ही अजीब सी उसमें से फ्रेगनेंस आने लगती है और इस तरह से मैं उसको रख देती हूँ उल्टा करके कोई भी डिश वॉशर डालकर ताकि उसके लिड तक अच्छे से ये हो जाए. सो उसके बाद थोड़ा सा टाइम जो है वो अपनी पर्सनल केयर के लिए भी रखना चाहिए. मैं ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं दे पाती हूँ पर्सनल केयर को, लेकिन थोड़ा बहुत जो है अपने लिए टाइम मैनेज करके आप निकाल सकते हैं जो कि मस्ट आपकी स्किन केयर के लिए जो ज़रूरी हैबिट्स होती हैं. हाउसवाइफ मोस्टली जो करती नहीं है लेकिन 1 से 2 स्टेप जो है वो मस्ट आप अपनी रूटीन में ऐड कर लिया करें. सो यहाँ पर जो है वो मेरी हैंड बीटर है और इसके साथ जो सेकेंड अटैचमेंट आती है इसके साथ मैं जो है वो आज बना रही हूँ आटा गूंद रही हूँ. मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं मैनुअली हाथ से ही गूंद लेती हूँ लेकिन जब आपको
बहुत सारा टाइम सेव करना होता है तो आप इस तरह के स्मार्ट गैजेट्स यूज़ कर सकती हैं। सभी के पास ये एग बीटर्स जो होता है अवेलेबल ही होता है और इसके साथ दो अटैचमेंट्स आती ही हैं। ये सेकंड अटैचमेंट जो होती है ये डो बनाने के लिए होती है और मैं इसके साथ जो है विद इन 5 मिनट्स बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट रोटियाँ बनाने वाला आटा जो है 5 मिनट्स में इसके साथ गूंदा जा सकता है। तो बहुत ही अच्छे से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा उसी पॉट में आप यूज़ करें जिसमें आपको रेफ्रिजरेट करना है तो वो भी बहुत इजी रहता है। इस तरह से अलग से आपको कोई बर्तन लेना नहीं पड़ेगा। 10 मिनट का स्टे देती हूँ मैं आटे को रेफ्रिजरेटर में और उसके दौरान जो है मैं अपनी जितनी मॉर्निंग ड्रिंक्स जो भी मैंने यूज़ करनी हो अपने प्लान में तो वो मैं ले लेती हूँ और उसके बाद मैं स्टार्ट कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। मैं जो है मोस्टली आजकल प्रेफर नहीं कर रही हूँ रोटी को, तो ये मैं बना रही थी अब्दुर्रफ़ी के लिए पराठा। इसके साथ इस रेसिपी के साथ बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनकर रेडी होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा इसको जो है वो शौक से खाते हैं। तो इस तरह से मैं ये देसी घी के साथ ही बनाती हूँ। तो इस तरह से लगाकर थोड़ा सा मैंने इसके साथ जो पिज़्ज़ा कटर आता है छोटे छोटे से कटआउट्स इसके साथ कर लें। ये पराठा जितने भी हम हाफ कट में या जितने बल वाले या कोई भी हम क्रंची पराठा बनाते हैं तो उससे ये बहुत ईजी बन जाता है। आप इसे नाइफ़ के साथ भी कट कर सकते हैं, बहुत जल्दी भी बनता है और बहुत क्रंची और क्रिस्पी भी है। सो ये भी एक टिप है बहुत ज़बरदस्त सी कि आप डिफरेंट रेसिपी के साथ कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट रेसिपीज जो है वो न्यू ट्राई किया करें ताकि मॉर्निंग में जो हेक्टिक रूटीन है उसे निकल कर अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकें। My emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, baby. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that. तो बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न है, मॉनसून बहुत ज़ोर शोर से जारी है और जितने भी प्लांट लवर्स हैं उनके प्लांट्स जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं अगर उनकी केयर ना की जाए। तो इस तरह से जितना भी वाटर इनमें जो है कलेक्ट हुआ हुआ था उसको मैं इस तरह से गिरा कर दोबारा से इनकी प्लेस पर रख दूँगी। यहाँ से मैं इसलिए शाम में हटा देती हूँ ताकि आंधी तूफ़ान वगैरह से ये वाले प्लांटर्स जो DIY बॉटल से रेडी किए हुए हैं ये गिर ना जाएं। Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on. सो वैसे तो जो पॉट हैं उनके नीचे कोई ना कोई जो है वो होल होता है लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो जमा हो गया तो सब प्लांटर्स में से पानी जो है वो मैंने ड्रेन ऑफ किया था और उसके बाद जो मैंने वॉश किए हुए थे कपड़े उनको मैं ड्राई होने के लिए डाल रही हूँ यहाँ पर ताकि अच्छे से वो ड्राई हो सकें। Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. ये वाला मल्टीपर्पज़ हैंगर बहुत ही अच्छा है अगर आपके घर में भी छोटे बेबीज़ हैं और वो प्रॉपर स्टैंड रखने के लिए प्लेस नहीं बनती तो इस तरह के हुक्स के साथ आप भी अटैच करके छोटे बच्चों के क्लॉथ जो है उन पर ड्राई होने के लिए डाल सकते हैं। सो यहाँ पर एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप अपना काम जो है वो डेली कुकिंग का जल्दी फिनिश करना चाहते हैं तो वीकली मील प्रेप में भी और जैसे भी आपको टाइम मिले तो अगर आप जो है वो ड्राई लहसुन जो है पाउडर यूज़ नहीं करते हैं तो इस तरह से फ्रेश लहसुन को पील ऑफ करके रख लिया करें और उसके बाद जो है वो इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद छोटा छोटा सब जो है वो पीस जब इसका बन जाएगा फाइन पार्टिकल्स में तो इसको जो है वो स्टोर करके रख लें, आइस क्यूब में रख लें या इस तरह के ये मेडिसिन बॉक्स आता है या कोई भी जो लिड वाली होती हैं उनके अंदर स्टोर कर लेंगे ताकि जो है वो फ्रिज में जो है अगर आपके ओडोराइज़र जो है वो नहीं लगा हुआ तो बैड स्मेल जो है वो पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर ना फैले। तो इस तरह से मैं भी जो है वो अच्छे से चॉप करने के बाद इस तरह की जो है मेरे पास आइस बॉक्स है उसके अंदर मैं स्टोर करके रख लेती हूँ और पूरा वीक जो है बहुत ही अच्छे से चल जाता है। वीक से भी ज़्यादा जो है आप स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से क्विकली जब भी आपको नीड होगी तो आप इसको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। Call.
Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? डेली रूटीन में जितनी भी कुकिंग होती है इसमें बहुत ही इजी रहता है. जैसे कि मैंने ये इस तरह से प्रॉपर क्यूब्स में निकल कर आ गया है ये गार्लिक पेस्ट, और इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत टाइम अपना सेव कर सकते हैं. क्योंकि हमारे इंडियन पाकिस्तानी घरानों में ऐसे खाने बनते ही हैं मोस्टली जिनमें जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो यूज़ होता है. यहाँ पर एक और टिप शेयर करूँगी कि बिरयानी जो लवर्स होते हैं, बिरयानी मॉन्स्टर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बिरयानी हम बनाते हैं तो क्या देखते हैं कि जब भी हम बाहर से परचेज़ करते हैं तो कहीं कहीं एक ऑरेंज कलर का जो होता है चावल का दाना होता है, कहीं थोड़े से वाइट होते हैं, लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो वैसी नहीं बन पाती और खुशबू भी एक अलग सी होती है. तो मैं क्या करती हूँ कि केवड़ा एसेंस जो होती है, केवड़ा एसेंस जो भी आप बोलें उसको, उसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके डालती हूँ तो उससे बिरयानी का कलर भी बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी बनकर रेडी होता है. तो इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप है कि जैसे ही ग्रॉसरी में कोई ना कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, जिस दिन भी ख़त्म हो उसी टाइम आप इसको जो है वो नोट डाउन कर लिया करें, और जिस दिन ग्रॉसरी करनी हो अगर उसी दिन अगर लिस्ट बनाएं आप तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप भूल जाते हैं और लेकर नहीं आते, और वहाँ जाकर सोच कर क्या लेना है क्या नहीं बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है. सो ये थी आज की वीडियो, आई होप यू लाइक. कंप्लीट वीडियो देखते हैं और लाइक करना ही भूल जाते हैं. प्रेस द लाइक बटन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.